आपके पास भी 1 GB रैम या 2 GB रैम है और गूगल पे आप सर्च करके थक गए वो बेस्ट हाई ग्राफिक्स गेम फॉर 1 GB रैम एंड 2 GB रैम, तो भैया आपके लिए वीडियो सोने पे सुहागा होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे 20 हाई ग्राफिक्स गेम लेके आऊँ जो आपके 1 GB रैम और 2 GB रैम वाले पीसी या लैपटॉप पे मक्खन जैसे चलेंगे एंड इन सभी का ग्राफिक्स क्वालिटी एकदम रियलिस्टिक है। चैनल पर नए हो तो प्लीज एक लाइक एक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मेरा सबसे पहला गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है स्ट्रेंगल होल्ड, एंड स्ट्रेंगल होल्ड की बात करें तो भैया 2007 का एक ओपन वर्ल्ड थर्ड पर्सन शूटिंग वीडियो गेम है। अगर आप एक फाइटिंग से भरा एंड एक्शन से भरा हुआ गेम खोज रहे हैं अपने लोन पीसी लैपटॉप के लिए जिसका ग्राफिक्स हाई हो, तो भैया स्ट्रेंगल होल्ड सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। गेम की बात करें तो बेसिकली गेम में आप एक पुलिस ऑफिसर के दाल निभाते हो एंड यहाँ पर आपको अलग अलग टास्क दिए जाते हैं एंड वाइल टास्क कंप्लीटिंग आप सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो, मतलब जो आपको व्यूइंग एंगल मिलेगा मैप का वो ओपन वर्ल्ड मिलेगा। एंड बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी आसानी तरीके से उपलब्ध है। तब रिक्वायरमेंट की बात करें तो भैया रैम की बात करें तो भैया सिर्फ मात्र 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो कोई नीड नहीं है। स्पेस की बात करें 7 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर का प्रोसेसर आपकी पीसी या लैपटॉप पे होना चाहिए। मन मान रहा है चलो यार एक बार ग्राफिक्स चेक कर लिया जाए, तो क्यों रुके हुए, टेलीग्राम चैनल का लिंक पुट कर दूंगा, वहां से आप इस गेम को इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे सेकंड गेम के ऊपर। जो हमारा सेकंड गेम निकल के आता है उस गेम का नाम रेड फ्रैक्शन गोरिल्ला। फ्रैक्शन गोरिल्ला की बात करें तो बेसिकली एक 2009 का ओपन वर्ल्ड थर्ड पर्सन शूटिंग वीडियो गेम है। बेसिकली गेम की बात करें बेसिकली यहाँ पर जो आपको वर्ल्ड देखने को मिलता है वो मार्स प्लैनेट में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग क्रिएचर्स देखने को मिल जाएंगे, आपको उनसे फाइट करना रहता है एंड आपका मिशन को यहाँ पर कंप्लीट करना रहता है। वाइल मिशन कंप्लीटिंग यहाँ पर आपको पूरा ओपन वर्ल्ड का यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। इनका जो ग्राफिक्स क्वालिटी दोस्तों वो काफ़ी ओपी है। रेड फ्रैक्शन गोरिल्ला का जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया मात्र 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 128 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 15 GB के आसपास स्पेस खाली रखना अपने पीसी या लैपटॉप पे इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो मन करा मार्स प्लेनेट पे घूमने का, तो भैया किस बात के लिए रुके हुए, जाओ कूद फान एंड इस गेम को इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे थर्ड गेम के ऊपर। जो हमारा थर्ड गेम निकल के आता है, वेल गाइस और कोई गेम की मैं बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जेम्स बॉन्ड 007 ब्लडस्टोन की। जेम्स बॉन्ड गेम की बात करें तो भैया एक 2010 का थर्ड पर्सन शूटिंग ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है। गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। की बात करें तो यहाँ पर एपिक रॉ एजेंट का किरदार भाती हो जिसका नाम जेम्स बॉन्ड 007 रहता है एंड बेसिकली उसे अपने रॉ एजेंट डिपार्टमेंट से इंटरेस्टिंग टास्क दिए जाते हैं एंड यार वो टास्क कंप्लीट करने के बाद यार जो आपको मजा आने वाला है वो भैया रियल लाइफ का आने वाला है एंड इसके ऊपर एक डेडिकेटेड फिल्म भी बन चुका है, तो अगर आपने उसे भी नहीं देखा तो एक बार देख लेना। अगर आप फिल्म का मजा गेम में लेना चाहते हो, मतलब रियल लाइफ का जेम्स बॉन्ड बनना चाहते हो, तो इस गेम को एक बार जरूर से खेलना। ग्राफिक्स कसम से बताऊं यार नेक्स्ट लेवल का ग्राफिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छे यहाँ पर विजुअल इफेक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। कि सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मेरा 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 256 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 7 GB के आसपास खाली रखना अपने पीसी या लैपटॉप इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। और अगर आपका मन कर रहा है यार चलो एक बार अपन आपको इन गेम जेम्स बॉन्ड बनना है, तो भैया ये गेम आप ही के लिए बना हुआ है। कूद फन के जाओ और इस गेम को इंस्टॉल करो और प्ले करो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे फोर्थ गेम के ऊपर। फोर्थ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है टर्निंग पॉइंट फॉल ऑफ लिबर्टी। सो वेल गाइस टर्निंग पॉइंट फॉल ऑफ लिबर्टी की बात करें तो भैया एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया कोड मास्टर के द्वारा। पॉइंट टर्निंग पॉइंट फॉल ऑफ लिबर्टी की बात करें तो अगर आप एक वॉर गेम वर्ल्ड वॉर 2 टाइप की गेम को खेलना चाहते हैं, वो भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो भैया टर्निंग पॉइंट फॉल ऑफ लिबर्टी सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। क्योंकि बेसिकली इस गेम में आप एक सोल्जर का किरदार निभाते हो एंड यहाँ पर आपको अपने सिटी को प्रोटेक्ट करना रहता है। यहाँ पर आपको पूरा न्यूयॉर्क सिटी का यहाँ पर आपको मैप देखने को मिल जाता है और आपको प्रोटेक्ट करना रहता है। तो वाइल कंप्लीटिंग मिशन यहाँ इस गेम में भी आपको ओपन वर्ल्ड का यहाँ पर एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। इन गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें गेम प्ले में जैसे कि देख सकते हैं इसका ग्राफिक्स क्वालिटी भी आपको डेस्क टेबल का देखने को मिलने वाला है। प्लेयर भी आता है, मल्टीप्लेयर भी आता है एंड ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी आसानी तरीके से उपलब्ध है। आप आराम से आप इसे इंस्टॉल कर सकती हो। गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो भैया सिर्फ 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 112 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें
तो भैया डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 6 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आप भी वर्ल्ड वॉर 2 का मजा लेना चाहते हैं तो भैया जरूर से इस गेम को एक बार ट्राई करना। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे 5th गेम के ऊपर। तो वेल गाइस जो हमारा 5th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है मैड आउट टू बिग सिटी ऑनलाइन। एंड दोस्तों मैड आउट टू बिग सिटी ऑनलाइन 2017 का एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जो कि हूबहू आप बोल सकते हैं हम लो एंड पीसी प्लेयर्स के लिए एक GTA 5 लाइट वर्जन है। एंड इसमें आपको वो हर एक चीज़ देखने को मिल जाएगा जो अपन GTA 5 में करते हैं। यहाँ पर आप ओपनली कार चला सकते हो, ऑनलाइन अपने फ्रेंड्स साथ खेल सकते हो, ऑफलाइन मिशंस कंप्लीट कर सकते हो, अपना एक कैरेक्टर का किरदार निभा सकते हो। मतलब यार पूरा आपको यहाँ पर GTA 5 जैसा यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस होने वाला है। अगर आप एक लो एंड पीसी प्लेयर है और आप एक GTA 5 खेलना चाहते हैं अपने 2 GB रैम पे तो भैया मैड आउट टू बिग सिटी सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ। और एक सबसे अच्छी बात कि भैया एक फ्री टू प्ले गेम है, आप स्ट्रीम में इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसान तरीके से उपलब्ध है। गेम मल्टीप्लेयर है एंड पूरा ओपन वर्ल्ड बेस है। मेन आता है ग्राफिक्स एंड इस गेम का ग्राफिक्स आपको काफी रियलिस्टिक देखने को मिल जाता है। मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो मिनिमम 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो भैया मात्र 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें 500 MB के आसपास स्पेस ख्याल रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। और अगर आपका मन कर रहा है चलो भाई एक बार अपन GTA 5 का मजा ले ले तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस गेम को आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो बल्कि इस बढ़ते हमारे 6th गेम के ऊपर जो हमारा 6th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है सैंथ्रो 2 की बात करें तो भैया 2008 का एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे पब्लिश किया गया THQ के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम भैया आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो भैया गेम टोटली ओपन वर्ल्ड। यार सच बताऊं तो गेम काफी फनी है। अगर आप एक फनी ओपन वर्ल्ड और एक्शन से भरा हुआ गेम खेलना चाहते हैं तो भैया सैंथ्रो 2 सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो नो कॉम्प्रोमाइज काफी अच्छा ग्राफिक्स क्वालिटी मिल जाता है। मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें 28 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो 12 कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें 7 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए आपके पीसी या लैपटॉप इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपका मन नहीं मान रहा है चलो यार थोड़ा गुंडाई पंती कर ले तो भैया सैंथ्रो 2 जल्दी से इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे 7th गेम के ऊपर। जो हमारा 7th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है बैटलफील्ड बैट कंपनी 2। एंड दोस्तों बैटलफील्ड बैट कंपनी 2 की बात करें तो भैया एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है। बेसिकली इस गेम में आप एक सोल्जर का किरदार निभाते हो एंड यहाँ पर आपको टास्क दिए जाते हैं कि अपने एनिमी के बेस को यहाँ पर आपको तबाह करना रहता है, कैप्चर करना पड़ता है। बेसिकली वाइल यहाँ पर जब आप मिशंस कंप्लीट करोगे दोस्तों तो आप काफ़ी अलग कंट्री में यहाँ पर आप ट्रैवल करोगे। एंड दोस्तों जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, जो गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा वो टोटली ओपन वर्ल्ड मिलेगा। यहाँ पर आपको पूरा जो मैप का जो व्यूइंग है वो आपको ओपन वर्ल्ड देखने को मिल जाता है। कि ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो नो कॉम्प्रोमाइज काफी ओपी एंड रियलिस्टिक ग्राफिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो रैम की बात करें तो मैंने 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 256 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल कोर स्टूडियो में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 10 GB के आसपास स्पेस खाली रखना अपने पीसी या लैपटॉप पे इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। जर वाला गेम खेलना है चलो मार धाड़ किया जाए, हम कर रहा है चलो एक बार इंस्टॉल करके देख लिया जाए भाई कैसा गेम है बैटलफील्ड बैट कंपनी 2। तो भैया लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे 8th गेम के ऊपर। जो हमारा 8th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है जस्ट कॉज। एंड वेल गाइस जस्ट कॉज की बात करें तो भैया एक 2006 का थर्ड पर्सन शूटिंग एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है। गेम की बात करें तो भैया पूरा गेम एक्शन से भरा हुआ। अगर आप एक ओपन वर्ल्ड गेम खेलना चाहते हैं जिसका ग्राफिक्स हाई हो और वो एक्शन से भरा हो तो भैया जस्ट कॉज 1 सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। क्योंकि इस गेम में आप एक एजेंट का किरदार निभाते हो एंड आपको कुछ टास्क दिए जाते हैं। आप एक आइलैंड पे लैंड करते हो एंड जो आइलैंड का मेन माफिया रहता है यहाँ पर उसको आपको किल करना रहता है। एंड ग्राफिक्स की बात करें तो नो कॉम्प्रोमाइज काफी ओपी ग्राफिक्स क्वालिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। मोड की बात करें तो भैया गेम सिंगल प्लेयर है, मल्टीप्लेयर इसमें आप खेल नहीं सकते। गेम का जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो भैया मात्र 512 MB होना चाहिए।
ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो कोई भी डीडी है, प्रोसेसर की बात करें तो भैया पेंटियम 4 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 6GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए आपके पीसी या लैपटॉप पे। मन कर रहा है भाई चलो एक बार यार ट्राई करके देख लिया जाए, तो भैया लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो बल गाइस बढ़ते हैं हमारे 9th गेम के ऊपर। जो हमारा 9th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है आर्म फोर्सेस क्रॉप्स। एंड दोस्तों आर्म फोर्सेस क्रॉप्स की बात करें तो भैया एक 2009 का फर्स्ट पर्सन शूटिंग वीडियो गेम है। एंड बेसिकली गेम की बात करें तो भैया गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी आसान तरीके से उपलब्ध है। एंड गेम में बेसिकली आप एक सोल्जर का किरदार निभाते हो एंड यहाँ पर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग टास्क दिए जाते हैं, आइडेंटिफाई करके घुस के उसे तबाह करना रहता है। इसकी बात करें तो नो कॉम्प्रोमाइज काफ़ी अच्छा रियलिस्टिक ग्राफिक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। एक सोल्जर वाला गेम खेलना चाहते हैं तो भैया आर्म फोर्सेस क्रॉप सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। एंड इस गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो भैया रैम की बात करें तो मिनिमम 1GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 नीड है। दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया पेंटियम 4 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 4GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए आपके पीसी या लैपटॉप इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। और अगर आपका मन मान रहा है चलो यार तो मन कर रहा है चलो एक बार खेल के देख लिया जाए भाई कैसा सोल्जर वाला गेम है, तो भैया एक बार इंस्टॉल करके जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे 10th गेम के ऊपर। 10th गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है लॉस्ट प्लैनेट एक्सट्रीम कंडीशन। एंड लॉस्ट प्लैनेट एक्सट्रीम कंडीशन की बात करें 2007 का एक थर्ड पर्सन शूटिंग ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया कैपकॉम के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो भैया गेम टोटली फ्यूचरलिस्टिक है, मतलब आने वाले समय में अगर हमारा हरकत ऐसे ही रहा, अपन ऐसे ही पॉल्यूशन पूरा करते रहे तो आने वाले टाइम में अपना अर्थ पूरा क्रिएचर से भर जाएगा। उस बेसिस पे ये गेम सर्वाइवल के निभाते हो कि अपने ही अर्थ पे अपन सर्वाइवल बन जाते हैं, क्योंकि अपन पूरा जो कि हमारे अर्थ के ग्लोबल वार्मिंग को पूरा तबाह कर चुके हैं एंड अपने को उसी क्रिएचर्स को डिस्ट्रॉय करना रहता है, अपने अर्थ से हटाना पड़ता है। तो बेसिकली इसी बेसिस पे जो इस गेम का जो मिशन स्ट्रक्चर है इसी बेसिस पे। एंड वाइल कंप्लीटिंग मिशन यहाँ भी आपको ओपन वर्ल्ड व्यू का यहाँ पर एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो मिनिमम 512 में होना चाहिए। प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल पेंटियम 4 में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 5GB के आसपास स्पेस खाली रखना चाहिए गेम को इंस्टॉल करने के लिए। और ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो भैया 128MB नीड है इस गेम को रन करने के लिए। अगर आप भी पॉल्यूशन को दूर करना चाहते हैं और कुछ क्रिएचर्स को मारना चाहते हैं तो भैया ये गेम सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाके इसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो बल्कि बढ़ते हैं हमारे 11th गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है द सैबेटर। सैबेटर की बात करें तो भैया एक 2009 का एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है। ओपन वर्ल्ड 2 टाइप के गेम्स को खेलना चाहते हैं जो कि ओपन वर्ल्ड बेस हो तो भैया द सैबेटर सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है, क्योंकि इस गेम में आपको पुराने कार्ड से लेके पुराने वेपन से लेके ओपन वर्ल्ड 2 टाइप का सिटी यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। सिटी तो आपको ओपन वर्ल्ड देखने को मिलता ही है, साथ ही साथ गेम का जो मिशंस है वो काफी यहां पर आपको अमेजिंग देखने को मिल जाता है। गेम टोटली एक्शन से भरा हुआ, अगर आप एक वर्ल्ड वॉर 2 टाइप के ओपन वर्ल्ड गेम को सर्च कर रहे हैं तो भैया द सैबेटर सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो भैया रैम की बात करें तो मात्र 2GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें मिनिमम 256MB नीड है। दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 7GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपका मन कर रहा है चलो यार वर्ल्ड वॉर 2 टाइप के ओपन वर्ल्ड को इंस्टॉल करके देख लिया जाए, भाई बोल रहा है चलो यार भैया लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इंस्टॉल कर सकते हो। तो बल्कि इस बढ़ते हमारे 12th गेम के ऊपर। जो हमारा 12th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम The History Channel Battle of the Pacific की बात करें तो भैया एक टोटली हिस्टोरिकल फर्स्ट पर्सन शूटिंग ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया है एक्टिविजन के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। यह गेम टोटली वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर बेस है। यहाँ पर आप एक सोल्जर का किरदार निभाते हो एंड सोल्जर की सबसे अच्छी बात यह रहती है कि भैया एक वन मैन आर्मी रहता है, मतलब एक सिंगल आदमी जो कि पूरे दुश्मनों को अकेले ही मारता है। तो वेल गाइस गेम टोटली उसी के ऊपर बेस है। आप पर आपको टास्क दिया जाता है, आपको वॉर पे जाना पड़ता है, जो भी आपके एनिमीज रहते हैं उनको वहाँ पर डिस्ट्रॉय करना रहता है उनके बेस को, एंड अपना जो टास्क है उसको कंप्लीट करना पड़ता है। एंड वाइल कंप्लीटिंग टास्क जो आपको यहाँ पर एनवायरनमेंट देखने को मिलता है दोस्तों वो टोटली ओपन वर्ल्ड देखने को मिल जाता है। ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो भैया ग्राफिक्स क्वालिटी यहाँ पर वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। इनकी सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो भैया रैम की बात करें तो मिनिमम 512MB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो भैया 256MB नीड है। दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया पेंटियम 4 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 4GB
का स्पेस होना चाहिए इस गेम को इंस्टॉल करने के। रियल लाइफ सोजर का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो भैया ये गेम सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है, जरूर से एक बार इस गेम को ट्राई करना। तो बल्कि बढ़ते हैं हमारे 13 गेम के ऊपर। ये जो हमारा 13 गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है Godfather 2। एंड द Godfather 2 की बात करें तो भैया एक 2009 का एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है एंड इसे पब्लिश किया गया इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स के द्वारा। एंड बेसिकली ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो भैया गेम थोड़ी न्यूयॉर्क सिटी पे बेस है एंड यहाँ पर आप एक माफिया किरदार निभाते हो और आपको बहुत इंटरेस्टिंग टास्क दिए जाते हैं। वाइल कंप्लीटिंग टास्क या मिशन आप बोल सकते हो, यहाँ पर आपको काफ़ी सारा एक्शन से भरा हुआ यहाँ पर आपको मिशंस देखने को मिलने वाला है। एंड वाइल कंप्लीटिंग मिशन यहाँ पर जो आपको व्यू देखने को मिलेगा दोस्तों वो टोटली ओपन वर्ल्ड देखने को मिलेगा। गेम में आप वो हर एक चीज़ कर सकते हो जो कि आप एक ओपन वर्ल्ड गेम में करना चाहते हो। एंड गेम की ग्राफिक्स क्वालिटी की बात करें तो भैया गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी काफ़ी ओपी है, आपको ज़रूर से इस गेम को एक बार ट्राई करना चाहिए। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो भैया रैम की बात करें तो भैया बस सिर्फ 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 भी नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम से जाएगा। स्पेस की बात करें तो 7 GB के आसपास स्पेस खाली रखना अपने पीछे लैपटॉप पे इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो वाला गेम खेल लिया जाए तो भैया नीचे लिंक है, क्यों वेट कर रहे हो, जाके इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस बढ़ते हमारे 14 गेम निकल के आता है। उस गेम का नाम है स्नाइपर गोस्ट वॉरियर। तो वेल गाइस स्नाइपर गोस्ट वॉरियर की बात करें तो भैया एक 2008 का फर्स्ट पर्सन शूटिंग ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है। बेसिकली ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो आप स्पेशल फोर्स का किरदार निभाते हो, यहाँ पर आपको एक आइलैंड में लैंड कर दिया जाता है एंड वहाँ पर आपको जो घुसे हुए टेररिस्ट रहते हैं बेस को आपको डिस्ट्रॉय करना रहता है। एंड बेसिकली जो गेम का जो मेन पार्ट है यहाँ पर आपको स्नाइपिंग करना पड़ता है। एंड देखो यार जो स्लो मोशन में जो बंदा यहाँ पर गोली लगता है ना यार, वो काफ़ी मेरे को मज़ा आता है। एंड गेम टोटली ओपन वर्ल्ड है, यहाँ पर आपको पूरा ओपन वर्ल्ड व्यू का यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग मिशंस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। काफ़ी ओपी ग्राफिक्स क्वालिटी इस गेम में आपको देखने को मिल जाता है। एंड गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो या रैम की बात करें सिर्फ 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो भैया 7 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। और अगर आपको मन कर रहा है चलो यार थोड़ा स्नाइपिंग वाइपिंग कर लिया जाए तो भैया लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर इंस्टॉल कर लो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे 15 गेम के ऊपर। ऑलराइट, तो वेल गाइस जो हमारा 15th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है सिंगुलैरिटी। वेल गाइस सिंगुलैरिटी की बात करें तो भैया एक 2010 का फर्स्ट पर्सन शूटिंग ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है। गेम की बात करें तो भैया गेम में बेसिकली आपको क्रिएचर्स को मारना पड़ता है। एंड दोस्तों जो आपको यहाँ पर फर्स्ट पर्सन शूटिंग का जो इसका जो फर्स्ट पर्सन शूटिंग व्यू मिलता है वो काफी हद तक पॉपुलर गेम्स के जैसा ही आपको यहाँ पर जो व्यूइंग एंगल है देखने को मिल जाता है। एंड जब यहाँ पर आप क्रिएचर्स को मारते हो यार तो जो गॉड ऑफ वॉर का जो फीलिंग अपने को देखने को मिलता है वो इस गेम में भी आपको देखने को मिल जाता है। गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। इस गेम को आप सिंगल प्लेयर भी खेल सकते हो, मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो। गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो भैया रैम की बात करें सिर्फ 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो भैया 512 MB नीड है। दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो भैया पेंटियम 4 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें 8 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए आपके पीसी या लैपटॉप इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। तो अगर आपका मन कर रहा है चलो यार एक बार कॉल करके देख लिया जाए भैया कैसा गेम है, थोड़ा ग्रेचर वेचर को मार लिया जाए, तो भैया लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेल गाइस बढ़ते हमारे 16 गेम के ऊपर। जो हमारा 16 गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है माफिया। एंड दोस्तों माफिया की बात करें तो माफिया 2002 का एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है। गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो भैया इस गेम में भी आप एक माफिया का किरदार निभाते हो, यहाँ पर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मिशंस देखने को मिलते हैं। एंड बेसिकली ये गेम टोटली ओपन वर्ल्ड बेस है। अगर आप एक ओपन वर्ल्ड गेम खेलना चाहते हैं अपने लो एंड पीसी या लैपटॉप के लिए तो भैया माफिया सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मिशंस देखने को मिल जाते हैं। एंड इस गेम में जो ग्राफिक्स क्वालिटी है वो भी यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। गेम का जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। बल्कि रैम की बात करें तो 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो पेंटियम 4 में गेम है। इसकी बात करें 4 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। आपका भी मन कर रहा है चलो यार इंस्टॉल करके देख लिया जाए भैया गेम कैसा है, तो भैया लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे 17th गेम के ऊपर। राइट, तो वेल गाइस जो हमारा 17th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है टोटल ओवरडोज की बात करें ये एक ओपन वर्ल्ड थर्ड पर्सन शूटिंग मैक्सिकन स्टाइल वीडियो गेम है जिसे डेवलप किया गया डेड लेंस के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया SCI गेम्स के द्वारा। बेसिकली ये गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, प्लेस्टेशन 2,
एक्सबॉक्स एंड अपने पीसी प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ही आसान तरीके से खेल सकते हो। गेम की मोड की बात करें तो भैया गेम सिंगल प्लेयर एंड इस गेम को रिलीज किया गया था 16 सितंबर 2005 को। गेम की बात करें तो गेम स्टार्ट होता है दोस्तों 1989 को, जहां पर अर्नेस्टो क्रूज जो एक अंडरकवर कॉप रहता है, डीईए एजेंट रहता है, और वो एक जंगल में जाता है। एक लोकल आर्मी से उसका झड़प हो जाता है, जहां पर वो एक इकट्ठा करने जाता है पापा मोर्टे, जो कि बहुत ही बड़ा यार मतलब क्रिमिनल रहता है, या गैंगस्टर ही बोल सकते हो, जो कि ड्रग्स व्रग्स का सप्लाई करता है। यहाँ पर आपको पूरा ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है, साथ ही साथ यहाँ पर आप कार चला सकते हो। जो भी आप एक ओपन वर्ल्ड गेम में करते हो वो सभी चीज़ इस गेम में आप कर सकते हो। साथ ही साथ गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी काफ़ी ओपी है। रैम की बात करें तो मात्र 256 MB होना चाहिए आपकी पीसी या लैपटॉप पे। और वीडियो मेमोरी की बात करें, मतलब ग्राफिक कार्ड्स की बात करें, तो मात्र 32 MB ग्राफिक कार्ड आपके पीसी या लैपटॉप पे होना चाहिए इस गेम को रन करने के लिए। और सीपीयू की बात करें, इट्स मीन प्रोसेसर की बात करें, तो पेंटियम 4 में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो मात्र 1 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपको इस गेम को इंस्टॉल करना है तो भाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके इंस्टॉल कर ले। गाइस बढ़ते हैं हमारे 18th गेम के ऊपर। 18th गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है GTA Vice City। एंड GTA Vice City की बात करें तो भैया एक 2002 का एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम रह चुका है। एंड गेम को डेवलप किया है, पब्लिश किया है रॉकस्टार गेम्स के द्वारा। एंड गेम आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो भैया गेम टोटली ओपन वर्ल्ड वे से, यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग मिशन आपको देखने को मिल जाता है, पर आप काफ़ी सारे अलग अलग कैरेक्टर का किरदार निभाते हो। एंड जो जो कैरेक्टर का किरदार निभाते हो भैया काफ़ी इंटरेस्टिंग मिशन आपको देखने को मिल जाते हैं। गेम का ग्राफिक्स क्वालिटी काफ़ी ओपी है, गेम पुराना है बट अभी भी काफ़ी बंदे इस गेम को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भाई कि आप इस गेम के फ़ैन हो या नहीं। एंड गेम की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो भैया रैम की बात करें सिर्फ 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो डुअल कोर में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें 2 GB के आसपास स्पेस खाली रखना इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। और अगर आपको इतना चाइल्डहुड का यादें फिर से ताज़ा करना है तो भैया इस गेम का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से इस गेम को इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे 19th गेम के ऊपर। जो हमारा 19th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है गन 2005। बात करें तो भैया एक वेस्टर्न थीम एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है। एंड ये गेम भी आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें तो भैया अगर आपने रेड डेड रिडेम्पशन के गेम के बारे में सुना होगा तो आप उसका बोल सकते हैं उसका एक लाइटर वर्जन है, क्योंकि यार आपको पूरा हूबहू रेड डेड रिडेम्पशन के जैसा ही इस गेम में आपको मैप, गेम स्टाइल, वेस्टर्न स्टाइल जो भी अपने को उसमें देखने को मिलता है सेम इसमें भी आपको देखने को मिल जाता है। बट ये हमारे लो एंड पीसी लैपटॉप पे काफ़ी आसानी तरीके से चल जाता है। एंड यहाँ भी आपको ग्राफिक्स क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग मिशंस देखने को मिल जाते हैं। इस गेम की जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट उसकी यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो सिर्फ 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो कोई नीड नहीं है। स्पेस की बात करें तो 3 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए। प्रोसेसर की बात करें तो भैया पेंटियम 4 में गेम आराम से चल जाएगा। उसका मन कर रहा है चलो यार एक बार इस गन गेम को ट्राई कर लिया जाए तो यार लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके इसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे हमारे 20 गेम के ऊपर। जो हमारा 20th गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है मेड मैन। दोस्तों मेड मैन की बात करें तो भैया एक एक्शन एडवेंचर ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम है, जो कि आपकी सभी प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीके से उपलब्ध है। गेम की बात करें पर जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है जिसका नाम रहता है मेड मैन, वो बेसिकली न्यूयॉर्क सिटी के जितने भी अंडरवर्ल्ड जितने भी बदमाश रहते हैं उनको 1 by 1 करके यहाँ पर मारता रहता है एंड अपना एक अलग पहचान बना लेता है। और एक थर्ड पर्सन शूटिंग ओपन वर्ल्ड वीडियो गेम खेलना चाहते अच्छे ग्राफिक्स के साथ तो भैया मेड मैन सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है। जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करें तो मिनिमम 1 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करें तो मिनिमम 512 MB नीड है। दोस्तों प्रोसेसर की बात करें पेंटियम 4 में गेम आराम चल जाएगा। स्पेस की बात करें तो 15 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आपका मन कर रहा है वर्ल्ड का सफाया कर दिया जाए तो भैया ये गेम आपको एक बार जरूर से खेलना चाहिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप दोस्तों कि इन टॉप 20 गेम में से आपको एक गेम जरूर पसंद आएगा। पसंद आया तो फेवरेट गेम नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। इतना ही था। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो पसंद है, वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड अपने प्यारे रसगुल्ले दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो यार ये हाई ग्राफिक्स गेम खेल पाए। तब तक के लिए मैं मिलता हूं एक और नई वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।